उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच मिलने वाला रसीला जंगली फल काफल बड़ा स्वादिष्ट एवं लाजवाब तो होता ही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्र के लोग इस फल का स्वाद लेने के लिए जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर भी सरपट चढ़ जाते हैं। लेकिन कई लोगों को काफल तोड़ने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ता है। अभी अभी चंपावत में काफल तोड़ने के चक्कर में पेड़ से एक महिला 40 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसको देवदूत बनकर आई पुलिस ने रेस्क्यू कर गड्ढे से बाहर निकाला तथा उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से उत्तराखंड के चंपावत जिले के बारदोली में चौकी गांव की एक महिला जो कि काफल तोड़ने के लिए काफल के पेड़ पर चढ़ी थी, तभी अचानक महिला अपना संतुलन खो बैठी और 40 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसकी सूचना मिलने पर चंपावत पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर महिला को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाला तथा प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने खेत पर करीब 40 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था जो कि काफल के पेड़ के ठीक नीचे ही था, जिसमें काफल तोड़ते वक्त महिला गिर गई। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।